आप लोग भी आएगा तो भी आएगा इधर इधर आपको आम आम खाने मिलेगा मिलेगा बहुत अच्छा अच्छा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मैंगो नर्सरी है यहाँ पे आपको 300 से ज्यादा किस्में मिल जाएंगे जिसमें इंडिया का बहुत सारे किस्में मिलेगा और ऑल ओवर वर्ल्ड से भी ये जो नर्सरी का ओनर है सभी जगह से कलेक्शन करके यहाँ पे उन्होंने मैंगो का पौधा लगाया है ये मैं नर्सरी का सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगा कि यहाँ पे कोई भी जो मैंगो प्लांट है वो बाहर से ला के ट्रेडी नहीं करते यानी बाहर से खरीद के यहाँ पे भेजते नहीं है उनके पास मदर प्लांट है पहले वो फ्रूट को देखते देन वेराइटी को कंफर्म करते देन वही प्लांट से वो क्या करते हैं लास्ट को कि पौधा बनाते हैं और वहाँ से वो भेजते जिसकी वजह से कि कोई भी पौधे में जो वैरायटी की जो गलत किस्में जो चला जाता है या रॉन्ग वैरायटी आपको चला जाता है तीन साल के बाद पता चलता है कि ये तो गलत वैरायटी है इस टाइप का यहाँ पे होने की कोई गुंजाइश नहीं है तो ये नर्सरी का ये ख़ास बात है दोस्तों और एक चीज़ है कि ये वीडियो आज आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि जो आमर नर्सरी की जो ओनर है उनको मैंगो के बारे में बहुत जानकारी है तो आप वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से अंत तक रहिए ताकि आपको बहुत अच्छा अच्छा मैंगो के बारे में जानकारी मिलने वाला है दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं इंडियास फार्मी चलिए वीडियो शुरू करते ए, ए है टॉमी एटकिंस इसका कलर देखिए और मैं तो पहले ही दो देसी वेराइटी का नाम लिया हूँ सुपर कमर्शियल फार्मिंग के लिए वो है अम्बिका और इनीका अगर कोई विदेशी वेराइटी आपने करना चाहते हैं तो आप टॉमी अटकिंस ज़रूर कीजिए आप देखिए इसका सेफ साइज और इसका कलर ये आप देखिए और ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मैंगो है होता है और ये बहुत फलता है इसका एल्डिंग बहुत बहुत हाई है बहुत अच्छे अच्छे फलन होता है और ये जो दे, देखिए इसका टी एस एस थोड़ा कम है लेकिन मीठा मैंगो है तो शुगर पेशेंट भी इसे खा सकते हैं टी एस एस मतलब सुक्रज लेवल काम है लेकिन मीठा है ये जो मैंगो है बहुत ही मीठा मैंगो है और ये पर पीस में बिकने वाला मैंगो है पर पीस बहुत अच्छे भाव मिलता है इसको और ये भी डोर वेराइटी का है हाई डेंसिटी में आप कर सकते हैं इसे तो तीन साल में आपको रिटर्न मिल जाएगा जो भी पैसा आपका इन्वेस्ट होगा मेरे ख्याल से तीन थर्ड ईयर में जो रिटर्न मिलेगा आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा तो फोर्थ ईयर से ईयर से आपका अच्छा अच्छा प्रॉफिट दिखेगा आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है अच्छा एक मैंगो गिरा पड़ा है इधर तो इसकी इसको हमने टेस्ट करेंगे इसका टी -स -स पहले चेक करेंगे फिर इसको टेस्ट करेंगे कलर देखिए मैंगो का बहुत टाइट है बहुत टाइट है और इसे आप रख सकते हैं घर में हार्वेस्ट करने के बाद भी रख सकते हैं जैसे अंबिका को हार्वेस्ट करने के बाद 20 से 22 दिन रख सकते हैं वैसे कमी अटकों को भी दस बारह दिन बाद रख सकते हैं आप हार्वेस्ट करने के बाद बहुत ही टाइट है ये मैंगे भाई सब थोड़ा आ जाइए इसका कलर दिखाएं हां अंदर का कलर दिखाइए हां ये देखिए बाहर का कलर कैसा है कितना शानदार कलर है और ये देखिए अंदर का कलर अंदर का कलर देखिए बाहर तो का तो बाहर का तो क्या बोलूं अभी तो। कलर के बारे में कोई तो लौथ में क्या बोलेंगे अभी अंदर का भी देखिए बहुत बढ़िया है अभी देखेंगे टीएसएस कितनी है

क्योंकि okay, मैं बहुत मैंगो खा चुका हूँ <laughs> और ये यूरोप का मार्केट में सेवेंटी परसेंट कवरेज है इस का 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 ये मेंगो का। ये, ये यूरोप okay. में तो इंडिया में भी इसका धीरे 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 इंक्रीज करेगा इसका बट उसका मीठा तो बहुत है मीठा बहुत है बहुत, है। बहुत है। टीएसएस कम है लेकिन मीठा बहुत बहुत है बहुत है तो इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि टीएसएस कम होगा तो मीठा नहीं है ऐसा बोल नहीं सकते ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये ये तो एक्चुअली इसका खुशबू भी बहुत बढ़िया है खुशबू भी बहुत बढ़िया है बढ़िया है इसीलिए तो यूरोप का मार्केट में अभी बहुत ज्यादा महीने में छाया हुआ है कमी छाया हुआ है उधर बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है, है।, बड़िया है। तो आज की डेट में करना ही चाहिए है ना नैसे तो करना ही चाहिए करना ही चाहिए देसी वेराइटी में अंबिका अंबिका विदेशी वेराइटी में जरूर ये कीजिए और और एक कर सकते हैं वो सेंसेशन वो भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा हिल्डिंग है ये सब वेराइटी का बहुत मतलब एक तीन साल का पेड़ में आपको मिनिमम 20 से 25 के फलन मिलेगा टॉमी एटकिंस के बाद दूसरा मैं विदेशी वेराइटी दिखाना चाहता हूँ जो कि सुपर कमर्शियल है ये है सेंसेशन अमेरिका का फ्लोरिडा का वेराइटी है टॉमी एटकिंस जैसा और इसका हार्वेस्टिंग टाइम है अगस्त सितंबर अगस्त में पकेगा और एक एक मैंगो 600-700-800 ग्राम तक होता है एवरेज 600-700 पकड़ लीजिए 600-700 एवरेज वेट होता है और इसका कलर देखिए बहुत बहुत अच्छी कलर है और इस जब हार्वेस्टिंग टाइम आएगा कलर और भी बढ़ेगा और बहुत खूबसूरत लगेगा इसका कलर और ये भी पीस में बिकने वाला मैंगो है और बहुत बहुत ही बहुत ज़्यादा है होता है पूरा कलरफुल होता है बड़ा साइज का होता है ये भी मीठा मैंगो है ये भी मीठा मैंगो है ये बहुत ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैंगो है सेंसेशन और सेंसेशन का एक बात मैं ब, 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 बताना चाहता हूँ इधर कि पहला दो साल फ्रूटिंग किसी किसी पेड़ में आता है ज़्यादातर पेड़ में पहले दो साल में फ्रूटिंग नहीं होता है लेकिन तीसरे साल से जब फ्रूटिंग स्टार्ट होता है तो और कोई पेड़ इसके सामने टिक नहीं पाता है क्योंकि इसका फ्रूटिंग थर्ड ईयर से सबसे ज़्यादा होता है और ये रेगुलर भी आ है थर्ड ईयर से लेकर हर साल होगा और बहुत ज़्यादा एल्डिंग होगा सेंसेशन जो मैंगो है तो इसीलिए हमारा देखेंगे आप जो साइंटिस्ट है हमारा देश का पूसा का जो जो ज़्यादातर वेराइटी सेंसेसन को क्रॉस करके बनाए हैं उन्होंने क्योंकि इसका के लिए क्योंकि उन्होंने तो फार्मिंग फार्मर के लिए काम करते हैं साइंटिस्ट लोग तो इसीलिए बार बार उन्होंने सेंसेसन को यूज करते हैं ताकि अच्छे यल्डिंग हो जो भी नया वेराइटी मिले उसका अच्छे इल्डिंग हो क्योंकि ऑलरेडी ये टेस्टेड है ये सुपर कमर्शियल ऑलरेडी टेस्टेड है सुपर कमर्शियल वेराइटी है आप इसे जरूर कीजिए कमर्शियली फार्मिंग जरूर कीजिए सेंसेशन को ये देख रहे ये ऑस्ट्रेलिया का वेराइटी है आर टू ई टू आर टू ई टू का मतलब रो टू इवोल्यूशन टू हाँ सेकेंड रो में सेकेंड इवोल्यूशन जो आया था साइंटिस्ट ने जो इन्वेंट किया था वही पौधा है आर टू ई टू ऑस्ट्रेलिया का वेराइटी है हमारा इधर भी फल रहा है आप देखिए ये देखिए ये मैंगो है आ, भाई साहब आ जाइए आप दिखाइए इसे व्यूअर्स को दिखाइए ये वाला मैंगो ये आर टू ई टू है कितना खतरनाक है मैंने यूट्यूब में बहुत वीडियो देखा था इसका आर टू ई टू का बट उसको छूने की मौका नहीं मिला था अभी मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़िया है देखिए मेरा दोनों हाथ में आ जाता है कितना बड़ा मैंगो है दोनों पापुली दोनों पापुली में ही आ जाता है देखिए और ये भी डेढ़ साल का पौधा है इसका उम्र जब तीन साल का हो जाएगा ना तो इसका वजन डेढ़ किलो से भी ज़्यादा होगा और ऑलरेडी ये एक किलो का हो चुका है एक किलो का साइज है इसका ये पौधे का जब जब मेचोरिटी आ जाएगा तो ये ये मैंगो बहुत वो, इसका भी वजन बढ़ेगा और एक वही सेंसेशन का दूसरा एक पेड़ दिखा रहा हूँ कलर देखिए कलर देखिए बहुत ही बढ़िया कलर है और हर पेड़ में बहुत बहुत अच्छी एल्डिंग हो रहा है अभी मतलब अंदर अंदर, अंदर बहुत मैंगो है वही तीन नहीं अंदर अंदर, अंदर देखिए बहुत सारा मैंगो है ये सब पैक पैकेटिंग करके रखे हैं है हमने ये ये देखिए ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा मैंगो फ्रूटिंग हुआ है आप देख सकते हैं एक पेड़ में बहुत ज़्यादा मैंगो है और इसका जो साइज है वो 700 से 800 ग्राम साइज है मतलब जो सेंसेशन पौधे है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा होता है ये जो पेड़ है ये देख रहे ये औरणी का है ये भी हमारे सी के साइंटिस्टों ने बनाए हैं और उन्होंने तो फार्मिंग के लिए ही बनाए हैं इसे ये बनराज और अम्रपाली का क्रॉस है बहुत कलरफुल बहुत ही अच्छे दिखने वाला ये मैंगो है और उन्हीं का और ये बहुत मीठा भी है इसका टी एस एस है ट्वेंटी फोर और ये थोड़ा सा लेट वेराइटी है बहुत जो सुपर लेट नहीं है थोड़ा सा लेट वेराइटी है जून का एंड में ये इसका हार्वेटी हार्वेस्टिंग होता है और ये जो गुच्छे में फलता है बहुत ज़्यादा है इसका अम्बिका जैसा और अंबिका के बाद अगर किसी वेराइटी का नाम मैं कह सकता हूँ कि फार्मिंग के लिए मोस्टली सुटेबल तो वो का है। ठीक है तो ये भी अंबिका की तरह हर साल फलता है डॉआर वैरायटी है अच्छे मीठा मैंगो है बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका और इसका भी ये रेगुलर बियरिंग है हर साल फलेगा ये तो ये भी बहुत ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैंगो है इसका फार्मिंग भी आप कर सकते हैं अंबिका uh, अरुणिका ये दोनों हमारा जो देसी वेराइटी है हमारे देश में बहुत अच्छा फल रहा है इसका फलन आ रहा है इसका तो आप कर सकते हैं ये लखनऊ में तो सक्सेसफुल है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी बहुत सारे फार्मिंग हो रहा है इसका वहाँ भी सक्सेसफुल है और हमारे बंगाल में हमने तो पौधे लगाए हमने देखे बंगाल में भी ये सक्सेसफुल है मतलब देश के किसी भी कोने में आप इसका फार्मिंग कर सकते हैं ये सफल होगा ही होगा और का अंबिका जैसा ये भी सफल होगा एक वेराइटी हमने जो ये और एक वैरायटी दिखाना चाहते हैं जो कि कॉमर्शियल वेराइटी है ये मैंगो देख रहे हैं अब इसका वज़न लगभग एक के के आसपास होगा इसका नाम है थ्री टेस्ट इसका और एक नाम है उसका नाम इसका नाम है चोक बाबुन और ये बहुत बहुत बिल्डिंग है इसका पूरा ये दो साल का पेड़ है बहुत बहुत सारे मैंगो हुआ है इसमें और ये कुछ कुछ कभी कभी ये साल में दो बार भी होता है जैसे लास्ट टाइम दो बार हुआ था इस बार भी तो फ्रूटिंग है अभी इसका फ्लावर भी आ गया है तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भी दो बार होगा इस साल भी और इसका वज़न देख रहा है बहुत बड़ा मैंगो है और बहुत स्वीट है ये बहुत बहुत मीठा मैंगो है और ये लोग बोलते हैं कि ये पेड़ में जब रहता है तो पकता नहीं है इसे हार्वेस्ट करके पकाना पड़ता है तो हमने तो लास्ट ईयर वैसे ही किया था हाँ डेढ़ डेढ़ के जी के हो गया थे एक एक मैंगो तब हार्वेस्ट किए थे इस साल अभी तक तो पकने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा है शायद इसे इस बार भी हार्वेस्ट करके पकड़ना पड़ेगा इसको तो इसे आप कमर्शियली कर सकते हैं कमर्शियली कमर्शियल वेराइटी है ये कमर्सियल हाँ ये हनी ड्यू मैंगो है देखिए इसका सेप पूरा अलग है ये सारे जितना भी मैंगो हुआ था इस पेड़ में सर इसी सेप का है देखिए ये तो थोड़ा सा अलग सेप है इसका देखिए पूरा अलग अलग टाइप का एक सेप है इसका बेंड है, ना, बेंड, है बेंड, बेंड, बेंड है और इसी तरह से हो रह, रहता है जैसे लगता है एक डक है डक जैसा दिखता है ये पहली बार है मेरे लिए तो टेस्ट नहीं, किया ना नहीं अभी तक तो टेस्ट नहीं किया लेकिन ये जेनिन वेराइटी है, है का ये जो मैंगो है इसका नाम है एरुइन ये यू का वेराइटी है फ्लोरिडा का और आप नाम सुने होंगे मियाजा की मैंगो का जापान का वो जो मियाजा की यूनिवर्सिटी है जापान में वो लोग काम किए थे इस इसी इसी से वो लोग हाइब्रिड करके बनाए हैं मियाजा की को इसी को क्रॉस करके तो बेसिकली एरोइन इज़ द मदर ऑफ़ मियाजा की बोला जाता है इसीलिए तो इसी इसी का इसी का क्रॉस ब्रीड है मियाँ की तो ये भी बहुत फेमस वेराइटी है कलरफुल है आप देख सकते हैं डॉर वेराइटी है और बहुत बहुत अच्छे कलर है इसका आ, ये है केंसिंगटन प्राइड ये मैंगो को देखिए ये ऑस्ट्रेलिया में सेवेंटी परसेंट कवरेज है मार्केट में तो ऑस्ट्रेलिया में सेवेंटी परसेंट मार्केट में कवरेज मतलब समझ ही रहेंगे कितने अच्छे वेराइटी है ये बहुत ही अच्छी वेराइटी है ऑस्ट्रेलिया का है ये है केंसिंगटन प्राइड ये देख रहे हैं आप लोग ये योलो पलमर है कोई इसे जम्बूरा मैंगो को कहता है कोई इसे थाईबल मैंगो भी कहता है तो हमने लास्ट टाइम जब इंडिया फार्मिंग आए थे तब हमने दिखाए थे कितना सारा मैंगो था इधर सारे हार्वेस्ट हो गया है ये वाला लास्ट है और इस लास्ट टाइम जब हमने वीडियो कर रहे किए थे तब पूरा दोपहर को किए थे तो पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा था क्लैरिटी अच्छा नहीं आ रहा था तो भाई साहब ने फिर से आए हैं अभी दिखाने के लिए देखिए ये बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने बोल चुके हैं कि आप आ, आप गोल्डन टाइप पे वीडियो शूट कीजिए तो धन्यवाद भाई साहब आप आए गोल्डन टाइप पे शूटिंग कर रहे हैं अभी तो कलर तो शायद अभी बढ़िया दिख रहा होगा मतलब ठीक ठाक कलर जो कलर है सही कलर दिख रहा होगा अभी तो ये है योलो पलमर ये राजापुरी मैंगो है पता ये फेमस मैंगो है राजापुरी इसका सेफ देखिए ये बहुत बड़ा साइज़ का होता है अभी भी तो इसका हार्वेस्टिंग टाइम नहीं आया है लेट वेराइटी है तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा होगा ये और बहुत बहुत टेस्टी है ये मैंगो राजा इसका साइज और शेप देखिए पूरा यूनिक है बहुत अच्छे दिखता है ये मैंगो राजापुरी ये देसी वेराइटी है हमारा साउथ इंडिया के है देसी वैरायटी है राजापुरी और मार्केट में ये कैसा रहता है, है मार्केट में तो मैं साउथ इंडिया में देखा नहीं हूँ कभी भी गया नहीं हूँ मतलब मार्केट में आम खरीदने के लिए तो गया नहीं हूँ पता है पता तो नहीं तो हो सकता तो है बहुत अच्छा दिखता बहुत अच्छा दिखता है बहुत अच्छा दिखता है ये अच्छा राजापुरी बहुत ही अच्छा अच्छा मैंगो है ये राजापुरी ये देख रहा है ये लाल मोहन मैंगो है इसका शेप और साइज बहुत ही बढ़िया है कलर भी बहुत बढ़िया है देखिए बहुत ही अच्छे मैंगो है और फ्रूटिंग भी, भी अच्छे हुआ है इसका एक डेढ़ साल का पौधा है देखिए बहुत अच्छे उधर भी मैंगो है तो ये कलरफुल है बहुत ही अच्छे कलरफुल है और बहुत ही अच्छे सेफ है देखिए बहुत ही बढ़िया सेफ है इस मैंगो का ये लाल मोहन है ये वेराइटी हाँ पूरे वीडियो में हमने कोशिश की है जानकारी सही जानकारी देने के लिए और पूरे वीडियो में आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद